हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फिर आ गई हूँ। आज जैसे मैंने कहा था, आज लास्ट डे है जब मैं आप लोग के लिए हैंड वीडियो बना रही हूँ। कल से आप लोगों को फेस वीडियोस मिल जाएंगे। और गाइस, मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली आप लोग के लिए फेस वीडियोस तो डालती रहूँ, नहीं तो हैंड एक आध वीडियो तो आ ही जाएगा आप लोग के लिए। फिलहाल अभी आगे 4 दिनों के लिए तो आप लोग के लिए फेस का वीडियो ही होगा। तो चलिए गाइस, DMDF और जर्नी वाली रीडिंग कर लेते हैं पहले, और फिर मतलब रीडिंग करते समय बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि DM की करंट एनर्जीज क्या है आप लोगों के लिए, इस जर्नी के लिए क्या है DM की करंट एनर्जीज। ओके, काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे गाइस, DF की करंट एनर्जीज क्या है। आज की वीडियो में गाइस, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हीलिंग के बारे में बताना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या हीलिंग करनी चाहिए। थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या निकल के आ रहा है आपके चक्रास में हीलिंग करने के लिए। सारे कार्ड्स ओपन है, क्योंकि DF की जिंदगी एक ओपन बुक की तरह होती है, वो कभी कुछ नहीं छुपाती। अभी गाइस हम लोग देखने वाले हैं जर्नी के लिए आगे क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, जर्नी के लिए क्या आ रहा है। एक मिनट गाइस, ठीक है। तो हम लोग और भी कार्ड्स लेंगे जर्नी के लिए कि क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के जर्नी में। हो गया। अब जो है गाइस, हम लोग करने वाले हैं कि सॉन्ग्स लेंगे गाइस आज की रीडिंग में आप लोग के लिए एंड में। और सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज मैंने ले लिया है, DF एंजाइटी से निकल चुकी है। सबसे पहले हम लोग DM पे ही फोकस करेंगे, और DM की करंट एनर्जीज में DM को एंजाइटी हो रही है। DM बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली से मिल रहे हैं, तो उनको एंजाइटी हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ों को। बहुत सारी बातें जो DM के घर वाले हैं उनको ताने मारते हैं, या उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और झगड़े होते हैं घर में, तो वो वाला माहौल जो है DM को बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी देने की कोशिश कर रहा है। DM जो है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को काम और सेंटर्ड रख रहे हैं, बार बार घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। अगर वो मैरिड है तभी भी DM जो है कार्मिक को छोड़ के कहीं शांत जगह पे मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं, या कहीं शांत वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। बार बार बहाना ढूंढते हैं कि हम घर में ना रहे, ठीक है, या घर में रह रहे हैं तो अपना काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, काम से वापस ही नहीं आ रहे घर। जैसे 4 बजे से 4 बजे तक काम है, तो वो रात के 8 बजे तक काम कर रहे हैं कि आजकल मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, कॉलेज में ही एक्स्ट्रा टाइम लेके काम करना, या स्कूल में, या जहाँ पे भी आपके DM पढ़ाते हो, या काम करते हो ऑफिस में, या गवर्नमेंट ऑफिस में। बहुत सारे लोगों के DM जो है मुझे प्राइवेट MNCs और ऐसे में काम करते हुए समझ में आ रहे, तो आपके DM जो है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं अपने सर पे, और काम पे ही बैठ के काम नहीं कर रहे, काम पे बैठ के खा पी रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, मजे मार रहे हैं, बाहर के बाहर ही घूमने निकल जा रहे हैं, घर पे एंटर नहीं कर रहे हैं आपके DM के। कार्मिक के साथ कौन एडजस्ट करेगा, कार्मिक की बातें कौन सुनेगा, फैमिली की बातें कौन सुनेगा। हाँ, तो वो घर ही नहीं आ रहे आपके DM, वो तो पूरी दिन बाहर के बाहर ही रह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यही उन्होंने अपने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सोचा हुआ है कि हम घर ही नहीं जाएंगे, हम बाहर ही रहेंगे, जितनी देर हो सके घर पे खा के सो जाएंगे, बस ज़्यादा बातें भी नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, काम से काम रखेंगे और अपने आप को बिजी रखेंगे। यही जो है आपके DM ने अपनी नई जिंदगी के लिए सोच रखा हुआ है फिलहाल इस समय पर, ठीक है। DM की एनर्जी ऐसी है, थोड़ा चक्रा से भी देख ले, DM मुझे ऐसा लगता है कार्मिक्स को बहुत ज्यादा फिंगर भी करते हैं, क्योंकि जो कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कार्मिक्स के साथ खेलते हैं, या कार्मिक्स उनको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान करती है, उनको चंबे मारती है, इसलिए वो घर से बाहर भाग रहे, यही हो सकता है, क्योंकि
कार्मिक्स जो है उनकी बात समझते ही नहीं है, कार्मिक्स बस उनको भगाने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी फियर और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, डीएम्स की बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन बढ़ रहा है डीएम्स को। कहीं ना कहीं वो ये समझ पा रहे हैं कि उनके मेमोरीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको याद रखने में तकलीफ हो रही है, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कार्मिक से, और उनको बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है कि उनकी सिचुएशन क्या है। और दूसरों की सिचुएशन जब ऐसे खराब रहती है तो उनको उन पे दया आ रही है, लोगों पे समझ रहे हैं एज अ पर्सन, लोगों की अलग लाइफ हो सकती है, अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। जब खुद सफ़र करता है इंसान तभी दूसरों के सफरिंग के बारे में उनको समझ आता है। तो ये जो है डीएम के साथ आ रहा है घर पे, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ मुझे यहाँ पे डीएम के दिखाई दे रही है, और घर से बार बार भाग जाने की तरकीबें निकल रहे हैं आपके डीएम। काम पे ही सो जाए उनका मन करे तो। खैर एनीवेज, देखते हैं गाइस डीएफ की क्या जिंदगी है। डीएफ जो है बहुत ही ज्यादा अबंडेंस आने वाली है, डीएफ की लाइफ में शांति आने वाली है, बैलेंस आने वाला है। सारे तूफान आपकी जिंदगी से जा चुके हैं, सब लोग जो कार्मिक थे, जो आपको तंग करते थे, जो आपको फ्रस्ट्रेट करते थे, वो आपकी जिंदगी से बाहर जा चुके हैं। आपके पास बचा क्या है, एक ब्रोकन हार्ट, एक टूटा हुआ दिल। और ये तूफान ने आपको बहुत ज्यादा मतलब हार्ट ब्रेक कर दिया है, लेकिन ये हार्ट ब्रेक के बाद आएगा आपकी जीत और बहुत ज्यादा शांति। एक ही चीज मुझे यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, वो है डीएम। फिलहाल मुझे वो चीज जो है वो बंदा आपकी जिंदगी में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा कार्मिक टाइज कट हो चुके हैं। तो ये भी देखते हैं कि क्या हीलिंग करनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को इनसिक्योरिटी ही हीलिंग करनी चाहिए कि आपके डीएम किसी और के पास चले जाएंगे आपको छोड़ के। अब ऐसा नहीं होने वाला, या आपके डीएम अभी किसी और के साथ नहीं है, वो अगर आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं या किसी और से भी बात नहीं कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही है कि वो अपने घर में भी नहीं रहना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि कार्मिक के साथ भी नहीं रहना चाहते, तो अकेले बैठे हैं, तो अकेले ही कुछ समय बिताकर सोचना चाह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में उनको क्या करना चाहिए। तो आपको भी ये इनसिक्योरिटी हटा देना चाहिए कि आपसे नहीं बात कर रहे तो किसी और को जाके पकड़ा है, और इतना डिपेंडेंसी डीएम्स पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो है डीएम जैसा बंदा है उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते जब तक वो आपका नहीं है। डिपेंडेंट हो सकते हो आप जब वो बोल दे कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है, अब हम लोग साथ में पूरी ज़िंदगी बिताएंगे, तब सिर्फ तभी आप उन पे डिपेंडेंट हो सकते हो, सिर्फ तभी वो आपका लोड लेने के लिए तैयार रहेंगे, वरना वो बिल्कुल भी आपकी बात सुनने के लिए तक तैयार नहीं रहेंगे। आप कहाँ उनके ऊपर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हो। आपको सुपरस्टिशियस भी रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो गया तो मेरा डीएम अब चला जाएगा, ऐसा हो गया तो मेरा डीएम। और आपको मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि डीएफ को बोलने में जो है डीएफ को ऐसे सोचते हैं कि कितनी एरोगेंट है, कितना रूडली बात करती है कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ये वो। तो उनको बहुत ज़्यादा हर्टफुल लगता है क्योंकि वो पर्सनली ले लेते हैं ऐसी बातों को। तो आप लोग को भी ये ध्यान देना होगा जब आप डीएम के साथ बात कर रहे हो तो रूखा रूखा ना बात करें, ठीक है। पर ये बात आप अपने ज़िंदगी से निकाल दीजिए कि वो किसी और के साथ है, और डिपेंडेंट आप सिर्फ तभी हो सकते हो जब वो आपको वो राइट दे कि आप उन पर डिपेंडेंट हो सकते हो, वरना वो भी एक कारण बन जाता है उनके दूर भाग जाने का। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी स्ट्रेस और एंजाइटी मत लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपकी की जीत होने वाली है, यहाँ पे डीएफ की ही जीत होगी। और अगर आप डीएम हो और खुद को डीएफ समझ बैठे हो तो आपकी कोई जीत नहीं हो रही यहाँ पर। अपने आप को पहचानो, आप डीएम हो डीएफ नहीं हो, ठीक है। अपने गलत फहमियों से बाहर निकलो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जर्नी में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग कार्मिक से फ्री होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक हैबिट्स और कोडिपेंडेंसी से कार्मिक्स के बहुत ही सारे डीएम्स फ्री होने वाले हैं, और डीएफ्स को भी फ्री होना है डीएम के डिपेंडेंसी से, जैसे मैंने आप लोग से कहा। और आप लोग को बहुत मौका मिलेगा कि आपके डीएम से आप बात कर सको,
और वापस सब चीजों को अपने बीच जो भी बिगड़ा है वो जोड़ सको। ये मौके आपके लिए लाइफ में बहुत आने वाले हैं आगे की जर्नी में। ये कनेक्शन जो है मुझे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, एंगेजमेंट नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। अब जो है गाइज हम लोग देखने वाले कि आपके डीएम आपको मैसेज में कौन सा सॉन्ग देते हैं। पत्थर के इन रास्तों पे फूलों की एक चादर है, जब से मिले हो हमको बदला हर एक मंजर है, देखो जहाँ में नीले नीले आसमां तले रंग नए नए हैं जैसे घुलते हुए, सोए थे ख्वाब मेरे जागे तेरे वास्ते, तेरे ख्यालों में है भीगे मेरे रास्ते, क्या मुझे प्यार है। कहीं ना कहीं आपके डीएम समझ रहे हैं कि आप जो है उनकी ज़िंदगी में कितने इम्पोर्टेंस रखते हो, उनकी लाइफ कितनी टफ है और जब आप साथ में होते हो तो उनकी लाइफ कितनी ईजी हो जाती है, कितना टॉक्सिसिटी, कितनी तबीयत मतलब देखी है उन्होंने, कितने फाइट्स देखे हैं, कितनी एंजाइटी, कितना टॉर्चर देखा है उन्होंने, और आपके आते हुए कितनी खुशी और कितने नए नए फीलिंग्स जिए हैं उन्होंने, तो वो एकदम डल हो गए थे, इमोशन लेस हो गए थे, तो आपके वजह से वो पूरे इमोशंस में आ गए हैं और थोड़ा बहुत इमोशनल होके रो भी लेते हैं आपके लिए, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि उनको आपसे प्यार हो गया है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।